आप सभी को पता होगा कि बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन सिवान के धरती पे होने वाला था, तो आप जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका यहाँ पे इंतजार खत्म हो चुका है और बिहार भाजपा के जो भी प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी जी उनका आगमन हो चुका है और उनका स्वागत करने के लिए गोरिया कोटी विधानसभा 111 के पूर्व प्रत्याशी माननीय श्री प्रवीण सिंह जी यहाँ पे उपस्थित है। उनका आगमन हो चुका है और सम्राट चौधरी जी आपका स्वागत है सर, सिवान के धरती पर आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद भैया भैया भैया। सिवान के पावन धरती पर माननीय श्री सम्राट चौधरी जी का उनके साथ में है अरविंद सिंह जी, बिहार और गुजरात हिंदी भाषी मंत्री संघ के अध्यक्ष और गोरिया कोटी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी यहाँ पे अरविंद सिंह जी स्वागत करते हुए गर्मजोशी जोशी के साथ अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ। और आप सभी जो लाइव देख सकते हैं यहाँ पर सम्राट चौधरी जी को इनका स्वागत गर्मजोशी जोशी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने काफी जोश और जुनून के साथ इनका स्वागत किया। और क्या कहना चाहिएगा सर, सर सिवान के विकास के लिए चिंता कर रहे हैं, सम्मान मिल रहा है आपको सर, राजनीति के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के बदलाव में लगे हैं। जोशी के धन्यवाद स्वागत किया जा रहा है। आप सभी लोग काफिला देख सकते हैं यहाँ पे कितना हद तक काफिला है, यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियों का काफिला लेकर सम्राट चौधरी चले हैं सिवान की धरती पर। यहाँ पर राजनीति का जो मोड़ कहा जाता है बिहार की राजनीति यहाँ चालू होती है सिवान से, और सम्राट चौधरी जी आए हैं कुछ न कुछ निश्चित रूप से राजनीति गलियारों में देखने को मिलेगा। और अभी आप यहाँ कर पूरा बलिया है यहाँ पे गोरिया कोटी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी माननीय श्री अरविंद सिंह जी ने कर्म जोशी के साथ स्वागत किया और यहाँ पे जो भी बीजेपी के क्षेत्रीय नेता है सभी लोग शामिल है। और आप सभी लोग देख सकते हैं कि भाजपा के होर्डिंग के साथ में कितने सारे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है, सैकड़ों गाड़ियों के साथ उनका टाउन हॉल सिवान में आगमन हुआ है और वहां पे भी बहुत सारे कार्यकर्ता सम्राट चौधरी जी का स्वागत करेंगे। फिलहाल यहां पे बिहार गुजरात मंत्री संघ के अध्यक्ष माननीय श्री अरविंद सिंह जी ने स्वागत किया और गोरिया कोट के पूर्व प्रत्याशी भी अरविंद सिंह जी, कितना अच्छा यहाँ पे माहौल बना हुआ है, बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून है और गाड़ी भर भर के कार्यकर्ता लोग सम्राट चौधरी के साथ में शामिल है। और कैमरा मैन से चाहेंगे कि समस्त गाड़ियों को दिखाएंगे कितना बड़ा काफिला लेकर सम्राट चौधरी चले हैं। लगभग 2024 चुनाव आने में थोड़ा ही मंथ बाकी है, उस राजनीति के हमें कहानी में ये सारे राजनीतिक पहलू देखने को मिल रहे हैं आप सभी को, आप सभी और यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता है। एक देखिए क्या करना चाहिएगा सम्राट चौधरी जी से मिलकर कैसा लगा? अच्छा बहुत अच्छा, करना चाहिएगा एकदम आगे काम बढ़ना चाहिए, सब कुछ सही है? हाँ हाँ सब सही है। क्या यहाँ पे मैं करना चाहिएगा? एकदम सही सही। देखिए यहाँ पे काफी लोग हैं, कुछ बोलिए क्या स्वागत करना। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद कुछ। सम्राट चौधरी जो हैं वो बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं और जी जान से लगेंगे। आपका पद, आपका नाम? मेरा नाम विनय कुमार गिरी हुआ, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोरिया कोठी सदर। धन्यवाद, काफी अच्छा अच्छा। और कैमरा मैन से चाहेंगे कि सिवान चलने के बाद वहाँ की सारी तस्वीरें आप सभी के समक्ष रखेंगे। फिलहाल इतना भर के लिए आपको सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
चौधरी जी का आगमन सिवान में हो चुका है, आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। और यहाँ पे गाड़ी एक सजाई गई है स्वागत में सम्राट चौधरी जी के लिए, अध्यक्ष साहब जी के लिए, जो प्रेसिडेंट है बिहार के सम्राट चौधरी जी उनके साथ में है। बिहार भाजपा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी उनके साथ में है। सिग्रवाल जी जिनके साथ में फिलहाल में ही पटना में घटना घटा था, जिन पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, वो घायल अवस्था में हाथ में सर्जरी शायद करवाए हुए हैं और बैंडेज करवा कर शायद इस अवस्था में पार्टी के समर्थित तो अपना समय देने के लिए वहाँ पर उपस्थित हैं। उनके साथ में कई बड़े नेता भी बीजेपी के उनके साथ में सम्मिलित हैं। आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से चैनल के माध्यम से हमारे देख पा रहे होंगे आप सभी को। और यहाँ पे कितना ज़्यादा हुजूम है सिवान में टाउन हॉल में, कुछ ही समय में यहाँ पे चुनाव होने वाला है। यहाँ पे